प्लान खराब हो गया। सारी गलती तेरी है, तेरे को यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अब यार यहाँ रॉबिन के गोली लगी है यार, उसके बहुत ज्यादा खून बह रहा है। यहाँ पर कुछ भी आसान नहीं है, जल्दी आए यहाँ पे। हमें किसी तरह मेन गेट पर पहुँचना पड़ेगा। तो मिस्टर निखिल, तुम अपने घर में कैसे कह दो? कुछ ना समझ लोगों की वजह से। हाँ हाँ, तुम कौन हो? मैं योगी गौतम और ये नितिन मल्होत्रा, हम यहाँ तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। कैसा सवाल? मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी थी। अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये जानना है कि पिछले 2 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ। देखो, कोई काम अधूरा छोड़ना मेरी फितरत में नहीं। अच्छा, तो फाइल के अकॉर्डिंग तुम एक सनकी क्रिमिनल हो। देखो, फाइल सच्चाई नहीं बताती। फिर तुम ही बता दो, 1 फरवरी 2020 की रात को क्या हुआ था? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। इस गलती की कीमत तेरे को अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी। कौन सी गलती? कौन बात कर रहा है? गलत जगह पंगा ले लिया बेटा तूने। इस शहर की सबसे अमीर बाप की इकलौती औलाद बोल रहा हूँ मैं। अबे जो भी नाम हो तेरा, पकाए मत। पहचाना? MLA राजेंद्र सिंह, जिसका गोल्ड तूने ब्लैक मार्केट में फंसवाया था। अच्छा, फिर तूने मेरे काम में दखल देके बहुत बड़ी गलती कर दी और इसकी सजा तेरे भाई और उसके दोस्त भुगत रहे हैं जो मेरी कैद में हैं। और तेरे से जो खड़ा जाए ना, वो खाड़ लियो। हमें नंबर ट्रेस करना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे भाइयों को कहाँ रखा गया है। अब ये काम मेरा सिर्फ एक ही दोस्त कर सकता था। कौन सा दोस्त? चार्ली जेनिफर, जो कि मेरा सबसे खास दोस्त है, जो कि एक हैकर है। वो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करता था और अब वो इरफान गाजी की कैद में। कहाँ मिलेगा ये? अभी तो इरफान गाजी की कैद में है। वेट अ मिनट, पहले तो ये बताओ तुम्हारा दोस्त चार्ली इरफान गाजी की कैद में क्यों था? अब ये जाके चार्ली से पूछना, मेरे से क्यों पूछ रहा है? अब हमारा काम है चार्ली को जिंदा बाहर निकालना और अपने भाइयों को सही सलामत घर वापस लाना। अच्छा, तो वहाँ जितने भी लोग थे वो सब किडनैप हुए बच्चों के भाई थे? हाँ, पर सिवाय करण और अखिल के, क्योंकि ये दोनों हमें गन सप्लाई करते थे ब्लैक मार्केट से, और क्योंकि उनका रिलेशन ब्लैक मार्केट में अच्छा था, तो एक एजेंसी के कहने पर हमने MLA का गोल्ड ब्लैक मार्केट में फंसवाया था, जिसका वो बदला हमसे ले रहा था।
इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। एक गन क्या पकड़ ली, अपने आप को गैंगस्टर समझने लगा। अखिल कोड याद है? हाँ वही प्लान ना जो गार्ड से बचने के लिए बनाया था। गार्ड से बचना भी है और ये भी देखना है वहाँ पे कितने गार्ड्स हैं, समझा? और मेरा क्या? तू मेरे साथ चलेगा। ठीक है फिर शुरू करो। अरे अपन कोठे आया छे ना? क्या समझ नहीं आया? ऐता तुम्हारे हाथे की क्या ऐता की ओ। यार पूरा प्लान खराब हो गया। सारी गलती तेरी है, तेरे को यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अक्षय वहाँ क्या चल रहा है? मैंने और करण ने यहाँ गार्ड्स को संभाल लिया है, तुम बताओ वहाँ क्या चल रहा है? अबे यार यहाँ रॉबिन के गोली लगी है यार, उसके बहुत ज्यादा खून बह रहा है। इससे ज्यादा खून तो नहीं कहते। सुनो तुम लोग मुझे मेन गेट पे मिलो। मुश्किल है यार, यहाँ पर कुछ भी आसान नहीं है, जल्दी आए यहाँ पे। इसी तरह मेन गेट पे पहुँचना पड़ेगा। सुन मैं आगे देख कर आ रहा हूँ कि आगे है कि नहीं कोई, तभी फिर आगे चलेंगे, ठीक है? अगर आगे हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा फिर गार्ड मर गए तो तुम्हारा काम तो आसान हो गया होगा। ये तो बस कहने की बात है कि काम आसान हो गया होगा, पर सच्चाई ये थी कि कुछ भी आसान नहीं था। ये ठीक है ना, किसी तीन को ऊपर जाना पड़ेगा, बाकी के नीचे रहेंगे। मैं तू विक्की ऊपर चलते हैं, बाकी के तुम दोनों इसका ध्यान रखो। ठीक है। चार्ली, निखिल बिना काम के तो आया नहीं होगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम?
अभी बताने का टाइम नहीं है, अभी चल यहाँ से। और फिर हमारा यहाँ से कोर्ट भी चालू होता है। ये कोर्ट्स क्या हैं? ये हमारे प्लान का नाम है, फालतू सवाल मत पूछा करो। पका मत, चल कहानी सुनाओ। मिल गई वो जगह। रॉबिन और करण तैयार हो जाओ। सारी गलती मेरी है, अखिल भी मेरी वजह से मरा। कैसे हुआ ये सब? मैं क्या करता, उस वक्त गार्ड आ गया और उसने अचानक से फायरिंग स्टार्ट कर दी। मुझे लगता है ये सारी गलती मेरी है, अगर उस वक्त मैंने ध्यान दिया होता तो अखिल आज जिंदा होता। और फिर क्या था, मैं करण रॉबिन उस जगह चल पड़े। और अक्षय और विक्की का क्या? हमारे साथ एक चलती फिरती मुसीबत भी तो थी, चार्ली, जिसके पीछे इरफान गाजी के लोग पड़े थे। अरे हाँ, इसीलिए विक्की और अक्षय उसे बैकअप देने के लिए रुके हुए थे, क्योंकि आगे चार्ली का बहुत बड़ा रोल था। बस बस सीधे जाते रहो, हॉल में कोई भी नहीं है। तो कोई नहीं है, आगे चलो। ऊपर या नीचे? ऊपर जाए या नीचे? बादल मानव, एक बात बताओ, तुम सबके भाइयों के? मेरे भाई का नाम मानव, अक्षय का लक्ष्य, रॉबिन का बादल और विक्की का प्रिंस, समझा? अब मुंह बंद। रॉबिन एक काम कर, तू यहीं रुक। तो कोई नहीं है, ऊपर चल। आवाज सुनी? कुछ तो था। बाकी के दो बच्चे ढूंढ, मैं इन दोनों को ऊपर लेके जा रहा हूं।
रॉबिन बच्चों को संभाल। बादल कहाँ है? मैं करण के साथ उनको लेके आ रहा हूँ। वो कौन था पता चला? मैंने आपको फोटो भेजी है, चेक करो। ये वही है उस बच्चे का भाई। एक सेकंड, अब ये कौन था जो बीच में आया था? ये था सिद्धार्थ सूरी, एमएलए का बेटा। इसके बीच में आते ही हमारी मुश्किलें बढ़ गई थी। और वो कैसे? ये किसी का भी भाई हो, मैं चाहता हूँ पूरे स्टेट की गन इस आदमी के सिर पर हो। सारे स्टेट बॉर्डर सील कर दो, ये बंदा मुझे किसी भी हालत में चाहिए, इसे भागने नहीं देना है। इट्स नॉट पॉसिबल, सो मेक इट पॉसिबल। बेटा तुमने कुछ सोचा है? हाँ। भैया आपने हमें ढूंढा कैसे? बस यहाँ थोड़ा संभल के चलना, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। रुको, यहाँ से सब झुक के चलेंगे। हेलो, तेरा ही भाई बादल है ना? कौन बात कर रहा है? मैं एमएलए रजिंदर का बड़ा बेटा सिद्धार्थ सूरी बात कर रहा हूँ, और अपना सवाल दोबारा पूछता हूँ। ये बादल तेरा ही भाई है ना? हाँ। ले अपने भाई से बात कर। हेलो रोबिन भैया। भाई क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, बस इनमें थोड़ी मार पड़ी है तेरे उस निखिल की वजह से। मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ तो बेटा ये याद रखियो, इन बच्चों की जान कभी भी जा सकती है, गन लोड है। देख तू भाई प्लीज गोली मत चली हो। हाँ तो फिर मेरा एक काम कर, अगर अपने भाई को जिंदा दिखना चाहता है तो उस निखिल को मरा हुआ है जिंदा मेरे पास लिया। हाँ तो देख ले, फैसला तेरा है, तेरे भाई और इस लक्ष्य की जान तेरे ही हाथ में है। वो यहाँ से भाग जाएगा। किसी बहम में मत रहियो बेटा, सारे बॉर्डर ना सारे सील हो रखे हैं, थैंक्स टू माई डैड, पता है ना बाप मिल गया मेरा। ठीक है, ये बताओ उसे लाना कहाँ है? बस मेरे को मेरा भाई सही सलामत चाहिए। ये हुई ना बात। तुम दोनों को भूख तो नहीं लगी? लगी तो है। टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। भैया कहाँ ले आए भैया? अरे कुछ नहीं होगा, शायद से उन्होंने हमें ढूंढ लिया है भैया। कुछ होगा तो नहीं भैया? कुछ नहीं होगा छोटे, कुछ मुझे नहीं होगा, डर लग रहा है। मैं बस दो मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया? बस दो मिनट। ठीक है ठीक है भैया, जल्दी आना प्रिंस तू। ठीक है फक, ये क्या हुआ? आ जा। अबे तुझे हुआ क्या है? अबे तुझे हुआ क्या है? Yeah.
ठीक है। रुक। और हम सब घर जरूर जाएंगे। तू जानता था ना रॉबिन को किसी का कॉल आया था? मैंने देखा था। नहीं यार अक्षय, क्या बात कर रहा है? नहीं झूठ मत बोल चूतिए, क्या तुझे पता था? हाँ। अब क्या फायदा, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हाँ वही तो। साला हमारे साथ ही दोगला बना कर रहा था, और वहाँ वो रॉबिन भी। इसको कहीं से पैसे मिले थे और इसने बिना बताए रॉबिन को उसके कॉल से कनेक्ट करा था, बाकी तो तुझे पता ही है। पर इसे मारा क्यों? इसकी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। और तू कहते इसे मारा क्यों? इसी की वजह से तेरे भाई ने मेरे दोस्त की जान ले ली। मेरे भाई ने इसलिए गोली चलाई क्योंकि मेरी जान खतरे में थी। तो अब बता मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बाकी दो बच्चों को लाए बिना तो यहाँ से जाने वाला नहीं। और मुझे भी, मुझे अपने भाई को भी ढूंढना है और साथ में रॉबिन के भाई को भी। पर एक प्रॉब्लम है, सारे स्टेट बॉर्डर सील हो गए हैं पिछले एक घंटे में। ये बात तुझे कैसे पता? रॉबिन के मरने के बाद मैंने उसके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी। तेरा फोन आ रहा है। हेलो, सुन ना, वक्त चोरी करने का टाइम तेरे पास है ना मेरे पास है, तो क्यों ना हम काम की बात कर लें? ठीक है। हाँ तो सुन, जो भी बात कर रहा है, निखिल के पास सिर्फ 18 घंटे हैं, 18 घंटे में या तो सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं इन बच्चों को मार दूंगा। ऐसे इन्होंने चिल्लम चिल्ली ज़्यादा कर रखी है। मैंने किडनैपिंग की स्टोरी से शुरुआत इसलिए करी क्योंकि हम में से सबको वो दिन याद है जब मेरे भाई और उसके दोस्तों को उठवा लिया था सिर्फ मेरी दुश्मनी की वजह से, और इसका कोई जिक्र कहीं नहीं हो रहा था, ना टीवी पर ना किसी और जगह, और पुलिस वाले भी उससे मिले हुए थे। पर क्या? पर असल में उस MLA के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो किसी को पता नहीं था, और इसीलिए उसने अपनी सबसे बड़ी गलती करी। और हाँ निखिल, अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो अपने साथियों को भी मेरे डैड के फार्म हाउस पे लेके रही हो, जरा मैं भी देखूँ कितना दम है उनमें। और हाँ, उन दो बच्चों को भी लेके आई हो, जरा मेरे को उनकी मासूम शक्लें भी तो देखनी है। टाइम आ गया भाई, मैं आ रहा हूँ। तूने अपने हार से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुझे पता है कि तू गलत है। तुझे मैं चाहिए था ना, ले मैं आ गया, तेरे सामने खड़ा हूँ, अब बच्चों को छोड़ दे। तेरे से एक और बात कही थी ना मैंने, वो बाकी के दो लौंडे कहाँ हैं? उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। फिर झूठ बोल रहा है। ये तेरे सामने खड़ा है, तुझे जो करना है कर इसके साथ, पर मेरे भाई को छोड़ दे। तेरे को तेरा भाई चाहिए ना, तो ये बता ये झूठ क्यों बोल रहा है? कैसा झूठ? यही झूठ कि वो बच्चे यहाँ नहीं है।
अब आप ही बताइए, जिससे इतना प्यार करा, जिसके लिए सबसे लड़ा, सबकी बलि चढ़ा दी, अगर वही मेरे साथ ना हो तो कैसा लगेगा। इसीलिए मैंने अपने आप को अपने ही घर में बंद कर लिया। वैसे तो तुम अब आजाद हो, लेकिन इन सब का फायदा क्या? तुम कहीं भी आ जा सकते हो और अपने दोस्तों के भाइयों के साथ वक्त बिता सकते हो। वैसे हमने तुम्हें यहाँ आने का मकसद नहीं बताया, तो मैं बता दूँ हम यहाँ क्यों आए थे। तो बताओ फिर, क्या है तुम्हारा मकसद?